After Yi Monastery, our next destination is Chichum Bridge, जो एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। चिचम ब्रिज जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रूट जो आपका बाया किब्बर होके जाता है और सेकेंड रूट जो आपका आगे कियाटो विलेज से बाइफरकेट होता है और कियाटो से आगे वो रोड बाया कुंजुम पास, चंद्रताल लेक, रोहतांग पास होके मनाली में कनेक्ट करता है। काजा से चिचम ब्रिज का टोटल डिस्टेंस इज अबाउट 20 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम की मोनेस्ट्री इट्स ओनली 10 किलोमीटर्स। रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो चिचम ब्रिज आप दोनों साइड से एक्सेस कर सकते हैं। काजा से चिचम ब्रिज का टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स एंड अगर आप मनाली साइड से आप आ रहे हो तो इसका डिस्टेंस है अराउंड 165 किलोमीटर्स। तो अगर आप मनाली साइड से आ रहे हैं तो आपको जून से अक्टूबर या फिर मिड अक्टूबर के बीच में आना पड़ेगा क्योंकि रोहतांग पास और कुंजुम पास विंटर में बंद रहता है। आई लव स्पीति सो मच एंड दिस प्लेस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। सो स्पीति वैली आपको हर दिन, हर समय, हर मोड पे आपको सरप्राइज दे रहा है। अगर आप स्पीति वैली आ रहे हो तो आप में टाइम लेके आए और इस वैली को पूरा एंजॉय करके जाइए। यहाँ के टेरेन हर आधे किलोमीटर में हर मोड पे आपके चेंजेस होते रहते हैं कि दोनों साइड में यूं ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ और सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए और बीच में बहता हुआ स्पीति रिवर और ऐसे नज़ारे शायद ही आपको कहाँ देखने को मिले। अल्टीमेट व्यूज रोड्स भी बहुत खूबसूरत है। वेयर दैट दे हैव मेड सच ए ब्यूटीफुल सोर्स To connect all these remote villages at a staggering height and at very high altitude places. Hats off to Vieru. चिचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज किब्बर विलेज और चिचम विलेज को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज सी लेवल से करीब 13,600 फीट हाइट के ऊपर है और इस ब्रिज का लेंथ है 114 मीटर। इसलिए ये ब्रिज ओनली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है एंड इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट के लिए करीब 14 साल लगे थे। 2017 15 अगस्त को इसको इनॉग्रेट किया गया था और जो टोटल खर्चा हुआ था इस ब्रिज को बनाने के लिए वो था 485 लाख। चिचम विलेज में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेशन की सुविधाएं नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई भी होटल्स वगैरह नहीं है या फिर कोई कैंपसाइट नहीं है। यहाँ पे ओनली ऑप्शन से आपका होम स्टे, वो भी लिमिटेड ऑप्शन से। तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे होम स्टे में रुक सकते हैं या फिर आप किब्बर विलेज या फिर काजा में स्टे कर सकते हैं।
अभी हम ब्रिज से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और चिचम ब्रिज का पूरा व्यू देखने के लिए। यहाँ से जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं है, लेकिन वेदर थोड़ा ख़राब होने लगा है और आज स्नोफॉल का भी प्रेडिक्शन है। तो आगे हमको हिक्किम विलेज, कॉमिक विलेज और लांगजा विलेज भी कवर करना है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पूरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। तो ये न्यू वीडियो लॉक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। आगे रहा।